Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yesterday we have done question number 2 of exercise 1.3, part number 4, 5th and 6th. I hope you have completed your work and there is no problem in these 3 parts. Today we are going to start question number 3 of exercise 1.3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. आज हम उसके फर्स्ट 2-3 पार्ट्स करेंगे. जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स यानी कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म है, जो बिलो होती है वैल्यू, यानी नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर. अब हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को. स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले सॉल्यूशन राइट करेंगे. जी अगेन राइट क्वेश्चन 1√3 + 2. ये चीज़ ख्याल रखनी है, हमारा अंडर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, 2 पर नहीं है. जी अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, यहाँ आप लिख लें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. जी फर्स्ट स्टेप है हमारे पास 1√3 + 2. रैशनलाइज जब हम करेंगे बच्चों, रैशनलाइज का क्या मतलब है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आप यूज़ करेंगे. अब यहाँ देखें √3 + 2 है, तो हम इसको रैशनलाइज जब करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा √3 - 2, यानी कि हमने साइन चेंज कर दिया. दिस इज़ √3 - 2. यानी कि अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में बात करूं कि हमने √3 - 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये हमारा रैशनलाइज हो जाता है. और साइन कैसे पता चलेगा आपको, आपने मिड वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है. सिंपल, √3 + 2 था, मैंने क्या कर दिया, √3 - 2, मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ डिवाइड भी कर दिया. ये हमारा रैशनलाइज का स्टेप हो गया. क्लियर. अब हम बच्चों, जैसे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 - 2 से और √3 + 2 √3 - 2 से, हम आमने सामने इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 1 को जब हम √3 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो हम क्या राइट करेंगे, √3 - हो सकता है किसी और क्वेश्चन में यहाँ पे 2 आ जाए, तो आप ब्रैकेट यूज़ करके हम मल्टीप्लाई करेंगे. अभी चूँकि 1 है इसलिए आंसर आ जाएगा √3 - 2 मल्टीप्लाई करने से. डिवाइडेड बाय, अब यहाँ मैं एक स्टेप कर रही हूँ, √3 + 2 ब्रैकेट यूज़ करें, √3 - 2 ब्रैकेट यूज़ करें. यहाँ पे ये स्टेप क्लियर, क्योंकि 2 √3 + 2 ये एक कंप्लीट टर्म है, √3 - 2 ये एक कंप्लीट टर्म है, यानी हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने क्या यूज़ कर लिया, ब्रैकेट. अब देखें न्यूमिनेटर तो हमारा मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम न्यूमिनेटर को हम एज इट इज़ राइट कर देंगे. जी √3 - 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. देखिएगा अब ये देखें दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है. यानी कि इसको हम ये कर सकते हैं a + b और a - b. और आपको पता है कि a + b और a - b किसके हमारे इक्वल होता है, दिस इज़ इक्वल टू a² - b² के. ऐसे ही है, तो हम डिनोमिनेटर में a² यानी √3 का होल स्केयर माइनस b² b क्या है, 2 का स्केयर, ऐसे करेंगे. क्लियर. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, न्यूमिनेटर ऐसे डिवाइडेड बाय, अब ये स्केयर √ से कैंसिल हुआ, 3 आ गया, माइनस का साइन, 2 का स्केयर, 4. क्लियर बच्चों. ओके अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है √3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 4 = 1. ग्रेटर वाली के साथ हमारा नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1. ठीक है जी. अब हम नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटर में नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको ऐसे करते हैं -√3 - 2. दिस इज़ योर आंसर.
ठीक है जी। हमने यानी यहाँ अगर आप देखें देर इज़ नो साइन, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस में ऊपर ले गए ताकि नीचे वन था, वन ख़त्म होते क्योंकि वन की कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास माइनस की लेकिन वैल्यू है, तो मैंने माइनस को क्या किया ऊपर लगा दी और साथ ब्रैकेट यूज़ कर। हाँ, अगर आप नेक्स्ट स्टेप अगर करना चाहते हैं, इस माइनस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वैसे यहाँ तक आंसर एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहते हो तो माइनस मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट थ्री माइनस माइनस प्लस टू, ये फिर हमारा आंसर बनेगा। अदरवाइज ये भी आंसर ठीक है, अगर ये स्टेप करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी आंसर आपका ठीक है। क्लियर बच्चों जी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर टू है, वन डिवाइडेड बाय फोर माइनस अंडर रूट फाइव। अब पार्ट नंबर टू आप खुद करेंगे, मैं अब आपको करवाती हूँ पार्ट नंबर थर्ड। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर थर्ड से जी बच्चों। पार्ट नंबर थर्ड है फोर अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट फाइव जी। सोल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट फाइव, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, रैशनलाइज। यहाँ लिख लेते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर। अब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, फोर अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट फाइव। रैशनलाइज में हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट फाइव है, अब हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, ये हमारा रैशनलाइज का स्टेप हो गया। क्लियर बच्चों। अब उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्टेप करते हैं, फोर अंडर रूट थ्री ब्रैकेट यूज़ कीजिए, अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट फाइव, ब्रैकेट यूज़ कर लें, ये एक टर्म ये सेकेंड टर्म, ब्रैकेट यूज़ करें क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्लियर बच्चों। अब आप यहाँ देखें, हमारे पास फोर अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अक्सर बच्चे करते हैं कि ये कटिंग कर देते हैं ऊपर नीचे, ये बच्चे कटिंग नहीं करनी, अगर कटिंग ही करनी होती तो फिर हमें ये रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप, फोर अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव। न्यूमिरेटर को हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये सॉल्व हो गया, कोई कंडीशन नहीं बना रहा। नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, ए प्लस बी ए माइनस बी सेम टर्म्स आ रही है लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो हमारा फार्मूला बन रहा है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं, ए यानी अंडर रूट सेवन होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव होल स्क्वायर। न्यूमिरेटर को हम एज इट इज रहने देंगे, अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय स्क्वायर अंडर रूट से, ये भी स्क्वायर अंडर रूट से, रिमेनिंग हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सेवन माइनस फाइव। सॉल्व करते हैं इसको जी, फोर अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय सेवन माइनस फाइव, दिस इज टू, क्या आ गया टू। अब हमारे यहाँ अगर आप देखें तो टू इस फोर से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, यहाँ पे टू इस फोर से कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए मैंने टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, टू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव, ठीक है जी। मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों, कोई कन्फ्यूजन, ओके, नोट डाउन योर डायरी, डायरी नोट कर लीजिए,
एक्सरसाइज 1.3 डायरी है आपकी। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 2, 3 थ्री पार्ट्स हैं आपके, होमवर्क भी करने हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है जी। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको होमवर्क में सॉल्व करना आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इनके पार्ट्स करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।